हेलो फ्रेंड्स, होममेड डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नूडल समोसा। इसमें हमने सबके मनपसंद समोसों को एक चाइनीज ट्विस्ट दिया है। तो सबसे पहले समोसे की कवरिंग के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, आधा टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा गुनगुना पानी। फिलिंग के लिए हम लेंगे 1 कप बॉइल्ड नूडल्स, 1 कप पत्ता गोभी, आधा कप शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स और प्याज, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून सोया सॉस, विनेगर और ग्रीन चिली सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम फिलिंग बनाना शुरू करेंगे। एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम कीजिए, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें, प्याज मिलाकर 1 मिनट तक पका लें। अब इसमें गाजर और बीन्स ऐड करें, सबको मिलाकर 2 मिनट तक पका लें। लास्ट में पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मिलाएं, इसको 1 मिनट तक पका लें। अब इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाएं, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करें। पांच मिनट तक अच्छे से पका लें। नूडल्स को तोड़ लें और पैन में मिलाएं, सबको मिक्स करके 2 मिनट तक अच्छे से पका लें। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हमारी फिलिंग तैयार है। समोसे बनाने के लिए एक बोल में मैदा लें, उसमें अजवाइन और नमक मिला लें, इसमें तेल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे हमें मिक्सचर की एक स्मूथ कंसिस्टेंसी मिल जाए। हल्का गरम पानी मिलाकर मठरी बनाने जैसा आटा गूंद लें, इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। एक कटोरी में 1 टीस्पून मैदा लें, उसमें 2 टीस्पून पानी डालकर मिक्स कर लें। इस घोल को हम समोसे के किनारे चिपकाने और बंद करने के लिए यूज करेंगे। अब आटे की एक छोटी लोई लें, इसको एक मीडियम मोटाई की चपाती में बेल लें, इसे बीच में से काट कर 2 हिस्से कर लें। एक हिस्सा लेकर उसमें दिखाए गए तरीके से मैदा का घोल लगाएं। घोल वाले हिस्से पर बचा हुआ आधा हिस्सा चिपकाकर इसका एक कोन बना लें। अब इस कोन को अपने हाथ में लें, इसको नूडल की फिलिंग से भर लें। समोसे की बाउंड्री पर मैदा का घोल लगाकर एजेस को आपस में बंद कर लें और उसे सील कर लें। इसी तरह से बाकी के समोसे तैयार कर लें। एक पैन में तेल को मीडियम गरम कर लें, उसमें समोसे डालकर लो फ्लेम पर तल लें। बीच बीच में इन्हें पलटते रहें। गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लें। ध्यान रखें कि समोसे डालते वक्त तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो समोसे की पापड़ी में राइट वाले समोसे की तरह बबल्स पड़ जाएंगे। तेल सही टेम्परेचर पर होने से लेफ्ट वाले समोसों की तरह सभी समोसे अच्छे बनेंगे। आपके क्रिस्पी चाइनीज समोसे बनकर तैयार हैं। इसको टमेटो और शेजवान सॉस के साथ गर्मा गर्म परोसें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
वैभव और दीपाली महेश्वरी आपसे एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही मिलेंगे।